प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपके सोते हुए आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने हमें श्वास दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम आपके बेटे और बेटियां हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि खुदा हमें आप आशीष देने वाले हैं। हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से हमें परिपूर्ण करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हमें हर पल हर समय हर घड़ी संभालने वाले हमारे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से खुदावन आपने हमें श्वास दी, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और आप देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भी मसीह भाई बहन दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से अपने कामों को लेकर के जो अपने कामों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो मेरे भाई और बहनों सभी लोग विश्वास रखना परमेश्वर आपके जीवन में, यदि आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है और आपको नई श्वासें दी है, नई जिंदगी परमेश्वर ने आपको दिया है, आपके जीवन में एक नया प्रकाश परमेश्वर ने दिया है, तो इस बात को याद रखना कि परमेश्वर आपके जीवन में एक नया योजना लाएगा, एक नई योजना है जो आपके जीवन से पूरा करवाना चाहता है। तो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में ऐसी कोई ना कोई योजना है, कोई ना कोई काम परमेश्वर ने आपको दिया है। वो जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपसे कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियां, आज तो मेरे वचन को सुन और याद रख कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और आपके जीवन में आने वाला जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मेरे प्रियो आपको सुबह शाम प्रार्थना डेली करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यदि तू परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, प्यार करता है, तो उसके लिए तू प्रार्थना कर, विनती कर, क्योंकि मैं तुझे ब्लेसिंग करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। जैसे दानियल ने 3 टाइम प्रार्थना की, आज हम एक समय दानियल जो व्यक्ति था, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, बहुत सारे वचन में लिखा हुआ है, दानियल की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारे लोग सुनाते हैं। तो मेरे प्रियो दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो 3 समय प्रार्थना करता था। आज तो हम 1 घंटा 10 मिनट हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, सुबह शाम नहीं हमारे पास समय। तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए नहीं है जो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उनके लिए मैं प्रेम करता हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ जो मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे लोग इस संसार में, सृष्टि पर बहुत सारे लोग हैं, अन्य जातियाँ हैं, क्या वो ऐसा नहीं करते हैं? वो भी ऐसा करते हैं, वो भी मानते हैं, वो भी कुछ करते हैं, वो भी दिखावा करते हैं। तो मेरे प्रियो परमेश्वर दिखावा नहीं चाहता है, परमेश्वर दिखावा नहीं चाहता है। आप अपने मन में कितना परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप अपने मन में कितना प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को लेकर के। दानियल कैसा व्यक्ति था? दानियल सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था उस राज्य में जहां पर दानियल रहता था, केवल वही विश्वास करता था परमेश्वर पर और 3 समय प्रार्थना किया करता था अपने घर के अंदर, अपने कमरे में। तो इस बात से हमें ये सीखने को मिलती है कि हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। और दानियल इतना शक्तिशाली हुआ, इतना सामर्थी हुआ, उसके पास इतनी ताकत थी कि पूरे राज्य को हिला करके रख दिया था, पूरे उस राजा को हिला करके रख दिया था। बहुत सारी घटनाएं आप देखेंगे बाइबल में, सुलेमान के जीवन में घटना आप देखिए, क्या प्रार्थना वो नहीं किया परमेश्वर से? उसने प्रार्थना किया। सुलेमान ने केवल इतना मांगा था कि हे परमेश्वर मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, क्योंकि आपने मुझे बदौलत तो बहुत दे दी, मुझे नाम भी दे दिया, मुझे सामर्थ्य भी दी, और मुझे केवल क्या चाहिए? ज्ञान और बुद्धि और समझ चाहिए, ताकि मैं इन चीजों को सही इस्तेमाल करूं, सही चीजों से, सही तरीके से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। सुलेमान ने भी मांगा परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और समझ। तो आपको भी आज मांगना होगा, ताकि जो आप काम करने जाते हैं, आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई किए हुए हैं, आप बिजनेस करने जाते हैं, आपकी नौकरी के लिए या जॉब के लिए, या फिर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई धंधा शुरू करना चाहते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता है, हर एक काम परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि याद रखना कि मैं तुझे में जो ज्ञान और बुद्धि और समझ देता हूँ उसको लेकर के तू प्रार्थना कर, विनती कर, ताकि मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सकूँ। इसीलिए जो अन्य जातियां होती हैं, परमेश्वर के वचन क्या कहता है? जैसे आज हम मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत सारे अन्य जातियों में क्या होता है, आज मैं देखता हूं मसीह भाई लोग वैसे होते हैं कि वो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसके बाद और दूसरों पर विश्वास करते हैं कि नहीं ये भी परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय उन लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सच्ची आराधना क्या होती है, सच्चा परमेश्वर क्या होता है, याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है जब उन दिनों में यहोवा यूं कहता था इजराइलियों के लिए, परमेश्वर ने कहा था, यह हमारे जीवन में भी लागू होता है। उन दिनों में जब परमेश्वर यहोवा यूं कहता था कि हे इजराइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उनसे उसे सुनो,
अन्य जातिया की चाल मत सीखो, उनके समान आकाश के चिन्हों में विस्मित ना हो। परमेश्वर क्वेश्चन कहता है, इसलिए कि अन्य जाति होती है, लोग विस्मित होते हैं, और क्योंकि देश देश के लोग ऐसी रीतियां बनाती हैं जो निकम्मी हैं, किसी काम की नहीं है। जिसे मूरत को देख लीजिए, कोई व्यक्ति मूरत को देखता है तो क्या वो हिल डुल सकती हैं? क्या वो चल सकती हैं? नहीं चल सकती। क्या वो बोल सकती हैं? नहीं कह सकती हैं। क्या वो सुन सकती हैं? नहीं सुन सकती हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा जो किसी ने एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक सांचा बना दिया, जैसे मान लीजिए कि कोई खेत है, खेत में जो पुतले को खड़ा कर दिया जाता है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से वो मूर्ति होती है। तो परमेश्वर ने कहा है, सीधा सिंपल बात यही है कि आप जो आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, जब वो आपकी बातों को सुन नहीं सकता है, वो आपके वचन को, आपकी जो आप जो कहते हैं उसे नहीं सुन सकता, जब वो चल फिर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सूंघ नहीं सकती, कानों सुनाई नहीं देता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसमें प्राण नहीं है, तो वो व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं। मेरे प्रियो, इसीलिए वो अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने इसीलिए ठहराया है कि तुम मूर्ति पूजा की तरफ क्यों ध्यान देते हो। मसीही भाई बहुत सारे लोग हैं कि हम तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रियो, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को ये कह करके नहीं ग्रहण करेंगे कि हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तूने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया और तीसरे दिन जीवित किया है, मैं इसके लिए विश्वास करता हूँ कि खुदा आप में वो सामर्थ्य है, आप में वो शक्ति है जो मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे, और मैं विश्वास करता हूँ और मैं ग्रहण करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे थे। तो ये बात जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने वाला नहीं है। तो आपको इस बात को ग्रहण करना होगा। जितने नए लोग हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन विश्वास नहीं करते होंगे, और दुनिया की जो फालतू की बातें मैं नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए आपको इन बातों पे बिलीव करना होगा, भरोसा रखना होगा, ताकि जो आपके काम हैं वो सफल होंगे। यदि आप अपने सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि मैं परमेश्वर जानता हूँ कि खुदावंद आपने मुझे सांसें दी, आपने मुझे सुरक्षित रखा, परमेश्वर मैं ये भी जानता हूँ कि आपने मेरे बच्चों को संभाला, आपने मेरे घर परिवार बिजनेस जो भी कुछ मेरे पास है सबकी देखभाल आपने की पिता परमेश्वर, और जो मुझे आपने बचाया है, जो भी आपके जीवन में गवाहियां हों वो परमेश्वर से कहिए कि पिता आज मुझे गिरने से आपने बचाया और मुझे अनेक प्रकार की चोटों से बचाया, और मैं जा रहा था पिता आपने मेरी रक्षा सुरक्षा की। इस तरीके की जब आप परमेश्वर से बातें करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी कहा था कि जो लोग सोने चांदी की मूर्त बनाते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल वो व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है उसका। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती, उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती हैं और ना कुछ वो भला कर सकती हैं। तो परमेश्वर ने सीधा सिंपल कहा है, जो मूर्ति है आज हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है बहुत बड़ी बड़ी मूर्त, बहुत बड़ी इमारत बनाते हैं लोग, तो वो किसी काम का नहीं है। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, तो इसीलिए आज हमें इन बातों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन आखिर कहना क्या चाहता है। लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम पढ़ सकते हैं यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 6 में लिखा है, हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा पराक्रम में बड़ा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तेरा नाम जो परमेश्वर का है बहुत बड़ा है, इसलिए याद रखना, परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं है। मेरे प्रियो भाई बहनों, सिर्फ परमेश्वर है सृष्टि का उद्धार करता, जीवन देने वाला, शांति देने वाला, और सूर्य उदय करने वाला, सूर्य अस्त करने वाला, आपके जीवन में नई रोशनी देने वाला, आपके प्राणों की रक्षा करने वाला, आपको श्वास देने वाला, केवल वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उससे बढ़ करके और इस सृष्टि में कोई नहीं है। और है तो जो आपके जीवन में शैतानी ताकत काम करती है, वो आपके हर एक बंधन टूटेंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसके बाद विश्वास के द्वारा आप ये मानते हैं कि नहीं, खुदा मैंने प्रार्थना की, विनती की, और मैं खुदा विश्वास है मुझे कि आपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा और उसको मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित जी उठा, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको ढेर सारा प्यार देगा, आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्व
सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें किस बात का डर है, किस बात से हम घबराए हुए हैं, किस बात को हमें चिंतित है? तो मेरे प्रियो, इन सब बातों को आप बिल्कुल छोड़िए, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करिए, प्यार करिए, उससे प्रार्थना करते रहिए, विनती करते रहिए। खुदा आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह कहता है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके यानी डर से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसे क्रोध को सह नहीं सकते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, याद रखना। जैसे आप पढ़ सकते हैं यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 10 में लिखा है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर और जीवित परमेश्वर है। उससे क्या होता है, धरती कांपती है और लोग थरथराते हैं, और जो शैतान ताकत होती है वो कांपती है। क्योंकि जब कोई मसीह भाई बहन होता है और किसी के अंदर शैतानी ताकत हो, आप देख लेना, वो कांपती रहेगी, वो फड़फड़ाती रहेगी और वह निकल जाएगी। जब वो आज्ञा देगा तो भाग जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब आपने देखा था कब्रों से निकल करके, जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो एक व्यक्ति क्या हुआ, उसको सांकले से बांधा गया था। तो आपने देखा था वहां पर क्या कहा था, हे परम पिता परमेश्वर प्रधान के पुत्र, मुझे दुख पीड़ा ना दे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, आप देखिए शैतान क्या होता है, जो देख करके खुद ही घबरा जाता है, खुद ही डर जाता है, वो अपने आप कह देता है। इसीलिए आज जब कलीसिया में देखते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, शैतानी ताकत जो होती है निकल करके तुरंत भाग जाती हैं, आज्ञा देते ही तुरंत निकल कर भाग जाती हैं, क्योंकि वो डरपोक हैं, वो डरती हैं शैतानी ताकत। परमेश्वर का सामना मुकाबला नहीं कर सकते हैं, यदि मुकाबला कर सकती तो आज सृष्टि में परमेश्वर का गुणगान न होता, उसकी महिमा न होती, शैतान का राज्य चलता। तो मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना, भरोसा रखना, खुद आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा। तो चलिए आइए चलते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन है कि आप प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा जिंदगी में आपको परमेश्वर बरकत और सलामत आपको रखे, यीशु नासरी के नाम से। चलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना को करते हैं परमेश्वर से और परमेश्वर की महिमा करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें, अपने अंगों पर हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको छुड़ाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपना हाथ जो भी मसीह भाई बहन किसी के ऊपर रखना चाहता है तो आप अपने इच्छा अनुसार रखें, अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखें और अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए प्रार्थना करें, अपने बेटियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे सके। और जो पति पत्नी इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपको ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। पिता परमेश्वर, आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परमपिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावन आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करें पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करें पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद आपने मुझे श्वासें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करें पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को
को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक हर प्रकार के सब को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी जुखाम बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर ही बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आज जांच करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही है, जो इस समय निगेटिव आकर रिपोर्ट आ रही है पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीट और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई नासरी के नाम से। हर प्रकार के मधु, जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे हैं पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद आना पिता परमेश्वर, बीपी ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर, काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं परमेश्वर, आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आए, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आए, आपको आशीष देने के लिए आए। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में, मुझ पर, मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर
कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम है पिता, आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे मुझे, इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ देने वाले पिता हैं, आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर, पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते झगड़े होते हैं पिता आप उनकी देख रेख करने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिवर पिता परमेश्वर, मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर मैं जानता हूं, और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं आने जाने अनजाने में पिता परमेश्वर आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर मैं बहुत दुख में हूँ, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर, आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो, पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूँ, आपके वचन को सीखता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है। परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है, चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से
प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे पिता, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन के देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला यीशु नासरी के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियाँ रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है, जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया, जितने भी आपके बेटे और बेटियां इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हर एक प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। विश्वास रखना, यदि आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, अपने जीवन का अनेक प्रकार के सुख का स्रोत जानते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना। आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना, खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार आपके जीवन को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो सर दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर भेज सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा जीवन में आपकी खुशियां देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और खुदावन से प्रार्थना करते रहना। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग कर सके, ढेर सारा प्यार दे सके। यीशु नासरी के नाम से विधा परमेश्वर, आमीन।